तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका काफी समय से कोशिशें कर रहा था भारत के लिए दूसरा रशिया बनने के लिए। अब इसके लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए थी जिनकी कमी थी दोनों देशों के बीच में, और वो कमी थी किसी बड़ी डिफेंस डील को लेकर और इसी के साथ साथ आपसी विश्वास को लेकर। अगर बात की जाए अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अमेरिका पूरी तरह से विश्वास कर सकता है भारत के ऊपर कि भारत कभी भी एंटी अमेरिका कोई भी काम नहीं करेगा, इस बात की गारंटी ली जा सकती है। लेकिन भारतीयों के मन में अभी तक इस बात को लेकर बहुत सारी शंकाएं हैं कि क्या अमेरिका भारत के लिए विश्वास पात्र उतना ही होगा जब वो रशिया की जगह लेना शुरू कर देगा। कहने का मतलब, दोनों देशों के बीच में विश्वास की तो अच्छी खासी कमी थी, लेकिन अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में विश्वास तब तक नहीं बैठ सकता जब तक कि दोनों देश एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल ना जाए, जिसके लिए जरूरी है आप ढेर सारे डिफेंस डील्स करिए, एक दूसरे को इस बात का विश्वास दिलाइए कि देखिए हम आपके साथ हैं और आपके ऊपर निर्भर होना चाहते हैं। वैसे अभी भी अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण वेपन्स अमेरिका से ऑलरेडी लिए जाते हैं, जिसमें MH-60 या रोमियो हेलीकॉप्टर आप ले लीजिए, अपाचे ले लीजिए, चिनुक ले लीजिए, इसके बाद P-8I है, C-17 ग्लोब मास्टर है, कई सारी होविट्जर वगैरह है। तो इस तरह के कुछ वेपन्स ऑलरेडी हम लोग अमेरिका से लेकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सभी इस बात को जानते हैं कि ये वही वेपन्स हैं जिनका कोई अल्टर हमारे पास दूसरा नहीं है, और ऐसी चीजें हैं जिससे कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव जनरेट नहीं कर सकता। इस वजह से इन वेपन्स को खरीद लेने के बावजूद उतना ज्यादा विश्वास नहीं जगता दोनों देशों के आपसी रिश्तों को लेकर। इसीलिए बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इसी मंथ यानी जून में अमेरिका के स्टेट विजिट पर जा रहे हैं, ये दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा निर्णायक होगा। और इस दौरान बताया जा रहा है कि कोशिशें ये की जाएगी कि भारत अमेरिका के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप स्थापित हुआ है और कई सारे इनिशिएटिव और कई सारे एग्रीमेंट साइन जो हुए हैं, इनके तहत अब व्यापार को जो डिफेंस का है केवल उसे $25 बिलियन तक पहुंचाया जाए। जी हां, अब अगर ऐसी बात हम करते हैं कि अमेरिका के साथ भारत के डिफेंस रिलेशनशिप $25 बिलियन तक पहुंच जाए, तो आप समझ सकते हैं कि बीच में कितनी सारी डील्स पॉसिबल दिखाई दे रही है। चलिए उनके ऊपर चर्चा करते हैं जो कि रिपोर्ट में बताया गया है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई सारी डिफेंस डील्स के ऊपर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है, उनका खाका तैयार कर लिया गया है, केवल एक औपचारिकता निभाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब विजिट पर जाएंगे अमेरिका के, तो वहां पर इनकी अनुमति देंगे और शायद डील को साइन वगैरह करेंगे। बाकी की सारी चीजें हो चुकी है और थोड़ी बहुत जो बाकी है वो भी तब हो जाएगी जब अमेरिका के रक्षा मंत्री एक दो दिनों में भारत का विजिट करेंगे। तब मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि लॉयड ऑस्टिन भारत आ रहे हैं जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, और वो अपने काउंटर पार्ट यानी राजनाथ सिंह जी से बातचीत करेंगे और इस दौरान खासकर इंजन की डील को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर लेंगे। इस दौरान बताया जा रहा है कि जो तेजस मार्क टू के लिए F414INS6 इंजन हम लोग लेने जा रहे हैं अमेरिका से, जिसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, इस डील को फाइनलाइज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि जब ये काम पूरा हो जाएगा, यानी F414 इंजन का काम पूरा हो जाएगा जिस समय, उसके बाद हम लोग स्विच कर देंगे नौसैनिक इंजनों के लिए, यानी गैस टर्बाइन इंजन जो कि हमारे नेवल वेसल्स में इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि भारत यहां पर चाहता है कि इंजन्स के क्षेत्र में हम लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं। जहां भी जिस भी क्षेत्र में इंजन्स की आवश्यकता हमें पड़ती है, उन सारे इंजन्स की टेक्नोलॉजी वगैरह और उनको बनाने के लिए इकोसिस्टम भारत में अरेंज कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त दोस्तों बताया जा रहा है कि जो एमका के लिए इंजन हम लोग बनाने जा रहे हैं उसको लेकर भी संभवतः चर्चा हो सकती है और किसी बड़े निर्णय के ऊपर पहुंचा जा सकता है। यानी 110 किलो न्यूटन का जो इंजन हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, जिसके लिए कॉम्पिटिशन में यूके और फ्रांस भी है, उसको लेकर भी किसी तरह की कोई बड़ी चर्चा या बड़ी डील इस विजिट के दौरान हो सकती है। इसके अतिरिक्त MQ-9 रिपर ड्रोन, जिसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये संभवतः इसी विजिट के दौरान कंप्लीट हो जाएगी डील, और इसके तहत 18 ड्रोन्स खरीदे जाएंगे जो कि 6-6 की संख्या में हमारी तीनों ही फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन खबरों के साथ साथ रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है, और वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें तो वो है हमारी नेवी के लिए विमानों की खरीद और साथ ही वायुसेना के लिए विमानों की खरीद। हम जानते हैं कि हमारी नौसेना के लिए विमान तो बिल्कुल कुछ ही समय में डील फाइनल करनी ही है हमें, जिसमें अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस का रफाल M शामिल है। तो इसको लेकर भी अमेरिका भारत को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप F-18 सुपर हॉर्नेट हमसे खरीदिए। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो भारतीय वायुसेना के लिए काफी लंबे समय से विमानों की कमी महसूस की जा रही है, और MRFA प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें 114 विमान खरीदे जाएंगे, तो इनको लेकर भी संभवतः अमेरिका पिच कर सकता है।
और अगर वायुसेना के ऊपर अमेरिका ध्यान देना चाहता है तो F-35 का नाम संभवतः आपको आने वाले कुछ समय में सुनाई देगा। लेकिन जो इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो बताया जा रहा है इंजन की डील जो कि F-414 के लिए होगी, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक भारत को टेक्नोलॉजी देकर भारत में इनका निर्माण करेगा, जो कि तेजस मार्क 2 के साथ साथ शुरुआती एमका और शुरुआती टेडबीएफ में भी जाने वाला है। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि पूरी तैयारियां हो चुकी है, केवल एक औपचारिक रूप से हस्ताक्षर चाहिए अमेरिकन गवर्नमेंट की, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक को मिल जाएगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के विजिट पर होंगे। बाकी इस डील को लेकर किस किस तरह की चीजें होंगी, किस किस वे में भारत को टेक्नोलॉजी सौंपी जाएगी, किस आधार पर ये इंजन भारत में बनाए जाएंगे, इन सबको लेकर चर्चाएं इस समय चल रही है और तैयारियां पूरी तरह से की जा रही है। और अगर हम भी इस समय ध्यान दें तो भारत के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डील यही हो जाती है, ताकि जो हमारे प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं इस समय उनके ऊपर जल्द से जल्द काम हो जाए। क्योंकि बार बार इस तरह की बातें सुनना कि तेजस मार्क 2 के लिए अभी तो फंड ही नहीं दिया गया है, वो डिले होने वाला है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट और डिले हो जाएगी, तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं मोरली तोड़ देती है और इन सबका इम्पैक्ट हमारी सेनाओं के ऊपर भी पड़ता है। हमारी सेनाएं फिर चाहकर भी इंडिजिनस हथियारों के ऊपर विश्वास नहीं जता पाती, क्योंकि जब तक उन्हें डेडलाइन के बारे में पक्की जानकारी नहीं मिलेगी कि हाँ उस तारीख तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, तब तक उन्हें खरीदने के लिए वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। और यही कारण देखा गया है कि हमारी फोर्सेस फिर विदेशी हथियारों की डिमांड करती है। तो अल्टीमेटली फोकस तो इसी डील के ऊपर रहेगा जिसके तहत इंजन भारत में बनाया जाएगा, लेकिन बाकी की सारी चीजों के ऊपर भी बड़े डेवलपमेंट निकल कर आएंगे मेरी नजर बनी हुई है। मैं आपको जैसी कोई खबर मिलती है सूचित कर दूंगा।